लास्ट वीक आई वॉज टीचिंग अबाउट योर माइंड. पिछले सप्ताह में आपको मन के विषय में सिखा रहा था. लेट्स टर्न टू 3 John verse 2. तीन कैन वी रीड इट टुगेदर. हम सब साथ में से पढ़ेंगे. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Contemporary word for soul is a mind. जो दूसरा शब्द है हमारे प्राण के लिए वो है मन. Another word is heart. दूसरा शब्द है हृदय. So your heart or your mind is very important. तो जो आपका हृदय है और जो आपका मन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण. The contemporary biblical heart is different. जो बाइबल जो हृदय के बारे में कहता है वो अलग है. Physical heart is different. जो शारीरिक हृदय है वो अलग है. Social heart is different. जो सामाजिक हृदय है वो अलग है. Can I have place in your heart? क्या मैं आपके हृदय में जगह बना सकता हूँ? Many people are asking. बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं. Yeah. Everybody wants your heart. सारे लोगों को आपके हृदय चाहिए. सो इफ योर हार्ट इज द कंडीशन ऑफ योर लाइफ विल बी द कंडीशन ऑफ योर सोल. तो जो आपका जीवन का जीवन जैसा है वैसे ही आपका हृदय और आपका प्राण भी वैसे ही होगा. नाउ हार्ट एंड माइंड आर द वर्ल्डली वर्ड्स. देखो जो हृदय और जो मन है वो दुनिया का शब्द है. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू हैव अ रिलैक्स्ड माइंडसेट. तो आज मैं आपको सिखाने वाला अपने मन को कैसे स्थिर बनाए, रिलैक्स. ओके, द बिब्लिकल वर्ल्ड विल बी रिन्यू योर माइंड. उसका बाइबल में उसको ऐसे अपने मन को बदलना. ओके, सो आवर माइंड इज कनेक्टेड टू द वर्ल्ड. तो जो हमारा मन है वो दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है. हाँ, थ्रू आवर आईज, थ्रू आवर इयर्स, through our all 5 senses, it is connected to the world. आँखों से, हमारे कानों से, हमारे 5 इंद्रियों से, वो सब दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है. So the world actually pumps lot of things inside your mind. तो ये जो दुनिया है बहुत सारी चीजों को pump करता है आपके मन के अंदर. So that's why many people they are so much connected to the world. तो इसलिए बहुत सारे लोग ये दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं. So even believers sometimes they become as if God is absent in their lives. तो विश्वासी लोग भी ऐसे ही बन जाते हैं जैसे कि परमेश्वर उनके जीवन में है ही नहीं. But the Bible encourages us that we should renew our mind constantly so that we can be transformed. लेकिन बाइबल हमें ऐसे सिखाता है कि हमको हमारे मन को नया करना है ताकि हमारा परिवर्तन हो जाए. Jesus Christ was the first person to begin transformation. यीशु मसीह पहला व्यक्ति था जिसने परिवर्तन की शुरुआत की. ओके, वी हैव टू बिकम ट्रांसफॉर्म्ड टू एंजॉय द अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ गॉड. हमें परिवर्तित हो जाना है ताकि हम परमेश्वर का जो सप्लाई है उसका आनंद उठा सके. यस, नाउ ऑल दीज थिंग्स आई टॉट लास्ट वीक. आई एम जस्ट रिकैपिटुलेटिंग. ये सारी बातें मैंने पिछले सप्ताह सिखाई है, उसे याद करवा रहा हूँ. द फर्स्ट थिंग इज गॉड इज अनलिमिटेड, दैट्स व्हाई वी नीड टू रिन्यू आवर माइंड. सबसे पहली बात है कि जो परमेश्वर वो अनलिमिटेड है. He is unlimited as a person. He is unlimited up in his capacity. He is unlimited in what he can do in your life. उसके व्यक्तित्व में, उसके क्षमता में और वो आपके जीवन में क्या कर सकता है उस सारे विषय में परमेश्वर अनलिमिटेड है. On the other hand, man is so limited. और दूसरी बात में मनुष्य है वो लिमिटेड है. That's why man has to be renewed to enjoy the unlimited God. तो इसलिए जो आदमी है उसको अपने आप को नया बनाना है ताकि परमेश्वर के अनलिमिटेड चीजों को वो फायदा उठा सके. सो आई एनकरेज यू टू लिसन टू माय द वर्ड लास्ट वीक. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो पिछले सप्ताह में जो संदेश पढ़ा था उसको वापस से सुनिए. एवरी डे इफ यू हियर इट वंस द होल मैसेज विल बिकम इन योर मेमोरी. हर दिन आप उसको एक बार सुनोगे तो वो आपको याद हो जाएगा. सो टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम व्हाट आई लेफ्ट लास्ट वीक. तो आज हम उसी रीति में आगे बढ़ेंगे जहां पर हम पिछले सप्ताह रुके. फर्स्ट ऑफ ऑल योर माइंड इज ए टेरिटरी. तो आपका जो मन है वो एक जगह के समान. इट इज ए स्पेस. वो एक जगह है. नाउ
Everybody will want that space. तो हर किसी को वो जगह चाहिए है. Everybody wants your mind. सारे लोग आपका मन चाहिए. All advertisement wants your mind. इस सारे advertisement को आपका मन चाहिए. So they try to attract you with their advertisements. तो वो आपको आकर्षित करना चाहते हैं अपने advertisements. So when you go in the car, you are driving the car. तो जब आप गाड़ी में जाते रहते हो. You see the billboards. आपको वहाँ पे billboards दिखते हैं. In the billboards. They will have such attractive pictures which will take your eyes to that billboard. और उस billboard पे ऐसे आकर्षित चित्र रहते हैं जब वो आपकी आंखों को वहाँ तक लेके जाए. They only want 1 second. That's how they devise those advertisements. उनको सिर्फ 1 second ही चाहिए उसी रीति से वो उसे बनाते हैं. Yes, they want you. If they want you, they actually take your mind. अगर वो चाहते हैं कि आप वहाँ पर देखें और उसके बाद वो आपके मन को ले जाते हैं. So who gets your mind actually gets you. तो जिसको भी आपके मन पे कब्जा होता है वो आप पर कब्जा करता है. हाँ, you should never give your mind to anyone who will not build you. आपको अपना मन किसी को भी नहीं देना है जो आपको बांध नहीं सकता. Okay. That's why when your mind is being renewed, enemy has no hold over your mind. इसलिए जब आपका मन नया हो जा रहा है तभी दुश्मन को आपके मन पे कोई अधिकार नहीं है. Lucifer will not have anything to do with your mind. Lucifer को आपके मन के साथ कुछ भी नहीं कर सकता. Okay. Now how this mind is being developed? It is a space. I have a space. That's my mind. He has a space. Everyone has a space. How your mind is being developed today? तो हर सबके पास एक मन है, वो इस जगह के समान है, तो हम इसे कैसे बांध रहे हैं, उन्नति कैसे कर रहे हैं? Okay, we are all. Let me tell you, we all are born as small kids in a family. Then slowly we grow up, go into the world, and we develop into adults. देखो, हम सब छोटे बच्चे के समान पैदा होते हैं अपने परिवार में, फिर हम थोड़े बड़े होते हैं और दुनिया में जाते हैं, फिर हम जवान हो जाते हैं. So all our history, our past actually influences our mind. तो जो भी हमारा इतिहास है, जो हमारा भूतकाल है, वो हमारे मन पर प्रभाव डालता है. Okay, so today I am going to say there are 7 things which influences our mind so much. आज मुझे आपको सिखाना कि 7 बातें हैं जो हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं. Why you behave in a particular way? क्यों आप एक रीति से बर्ताव करते हो? Why you think in a particular way? क्यों आप एक रीति से सोचते हो? Why you are not able to do certain things? क्यों आप कुछ चीजें नहीं कर पाते? See, for example, देखो उदाहरण के तौर पर, some young people are good in taking decisions. कुछ जवान लोग बहुत ही अच्छे होते हैं निर्णय लेने में. Some people, they are not able to take decision. कुछ लोग नहीं ले पाते. They all the time ask for a decision from somebody. वो हर समय किसी और को हमारा निर्णय के लिए पूछते रहते हैं. Why? क्यों? Some people are not able to study. कुछ लोग पढ़ाई नहीं कर सकते ठीक से. Some people, they are able to study very well. कुछ लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं. Why there is a difference? क्यों इसमें ऐसे दो अलग बात होती है? Some people they think they are not looking good. कुछ लोग ऐसे सोचते कि वो अच्छे नहीं दिखते. Some people they don't look good but they think they are very good looking. सच में अच्छे नहीं दिखते फिर भी वो ऐसे सोचते कि हम बहुत ही सुंदर हैं. Have you seen people like that? क्या आपने देखा है ऐसे लोगों को? Yes. Why there is a difference in the behavior of people? क्यों इसमें एक अलग रीति है जब लोग अलग-अलग तरह से बर्ताव करते हैं? Because right from our childhood till we become an adult, there are 7 things which influences a person. क्योंकि बचपन से लेकर हमारे जवान होने तक ऐसे बहुत सारे चीजें हमारे एक व्यक्ति के जीवन पे प्रभाव डालते हैं. The first thing, पहली बात, is culture and religion. एक ही संस्कृति और धर्म. Culture and religion. संस्कृति और धर्म. Now, let me tell you certain very important things about your culture and about your religion. क्योंकि मुझे आपके संस्कृति और धर्म के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण. Now, I am not saying this culture, that culture, all culture. मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ये संस्कृति, वो संस्कृति, सारे संस्कृति. My culture has a literature. मेरी संस्कृति का एक literature. My culture has a dance. उसका एक नाच है. माई कल्चर हैज अ सॉन्ग.
उसका एक गाना है. My culture has a dress. उसका एक कपड़ा है. This is the environment in which I was born. ये कैसे एनवायरनमेंट है जहां पर मैं पैदा हुआ. So I begin to relate with that culture. तो मैं उस संस्कृति का जुड़ना शुरू कर देता हूं. I begin to sing those songs. मैं उस गीत को गाना शुरू कर देता हूं. I begin to dance those dances. मैं उस नाच को नाचना शुरू कर देता हूं. Dress those dresses. उस वेशभूषा को भी पहनना शुरू करता हूं. Wear those turbans. उस पगड़ियों को पहनना शुरू करता हूं. And live like that culture. और उस संस्कृति के अनुसार जीवन बिताना शुरू करता हूं. Culture is not the kingdom of God. संस्कृति परमेश्वर का राज्य नहीं है. Culture is from the environment. ये हमारे आसपास के माहौल से आता है. From your five senses, this culture gets into you. आपके जो पांच इंद्रियां हैं उसके वजह से ये आपके अंदर आता है. And you think this is my culture. और आप सोचते हो कि ये मेरी संस्कृति है. I have to be like this culture. मुझे इसी संस्कृति के अनुसार. So culture becomes a big issue in people's life. संस्कृति अब लोगों के जीवन में समस्या का कारण बन जाता है. And if you talk about culture, they get very upset. और आप संस्कृति के विषय में बात करोगे तो वो उदास हो जाते हैं. How you talked about our culture? कैसे तूने? Our culture is a great culture. संस्कृति के विषय में बात किया, ये मेरा महान संस्कृति है. Please understand. Only the kingdom is great. सिर्फ परमेश्वर का राज्य ही महान है. Kingdom culture. परमेश्वर के राज्य का should replace your culture. ये आपकी संस्कृति को बदल देना. There is a culture of the kingdom. एक संस्कृति है परमेश्वर के राज्य की. By the way, as a pastor, I love your culture. देखो एक पासबान होने के अनुसार मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, आपके संस्कृति से भी प्रार्थना करता हूँ. Love people, love their culture. Nothing wrong about that. It's okay. लोगों से प्रार्थना करता हूँ, उनके संस्कृति से भी. But I don't have a culture. लेकिन मेरे ऐसी कोई संस्कृति नहीं है. I am trying to have the kingdom culture. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा परमेश्वर के राज्य की जो रीति रिवाज, जो संस्कृति है, वो मेरी. Second is religion. दूसरी बात है धर्म. Religion. धर्म. All religions are the same. ये सारे धर्म एक बराबर है. One thing which can influence you. दूसरी बात जो आप पर प्रभाव डाल सकता है. Is the media and news. ये जो समाचार है, जो पत्रकार है, ये मीडिया है, ये सारी बात. Who is media? कौन है ये मीडिया? Media is a business. ये मीडिया एक व्यापार. Write this down. Media is not your अप्पा अम्मा. Media is your business. इसलिए लिख लीजिए इसको कि ये जो मीडिया है वो आपके. Somebody makes money. कोई तो पैसा बना. Somebody makes money. That is media. कोई तो पैसा. It is designing you. बना रहा है. Why you think this way? वो है मीडिया. आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? It's a business. मीडिया एक व्यापार है. Media is a business. मीडिया एक व्यापार है. Somebody makes money. कोई तो पैसा बना रहा है. Somebody makes profit. कोई तो मुनाफा कमा रहा है. Somebody pushing something. It's an agenda. कोई तो कुछ तो ढकेल रहा है. वो एक बात है जो ढकेल रहे हैं. Gone are those days when news comes in news channels. बीत गए वो दिन की समाचार के चैनल पे समाचार आ रहा है. Today news channels decide what to say, how to say, how much to say. आज इस समाचार का चैनल इसको एक तय करता है कि कितना कहना है, कितना कम कहना, कितना ज्यादा कहना. Because media is of this sort, you need to be more intelligent than the media, that you need to know what I need to hear. I need to choose what I need to hear. You can't push any agenda into my life, because my mind is my mind. The prosperity of my mind is so important for my prosperity, for my money and my health. My health is so important for me. Why will I agree to what media says? तो मेरी मन की उन्नति मेरे हाथ में है. मेरे सेहत मन रहने के लिए मेरा मन सही होना चाहिए, तो मैं क्यों मीडिया का सुनूं? I am a thinker. मैं सोचता हूं. I have taught extensively for several decades and I found the kingdom culture is the culture which can really bring blessing in your life and in others' life. I know that. और मैंने कई
कई दशकों से ये सोचा है और मुझे ये पता चल गया है कि जो परमेश्वर के राज्य का जो संस्कृति है वही हमारे जीवन को आगे बढ़ा सकता है। If you really want to control your mind prosperous, keep your soul prosperous, you need to know how you, I am my, what are the seven things which are controlling my mind. अगर आपको अपने मन को नियंत्रण में लाना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सात चीजें जो आपके मन को नियंत्रण कर रहे हैं। Yeah. Let not media dress you and design you. देखो मीडिया को आपको कपड़े पहनाना और आपको किसे डिजाइन करने वो मीडिया को तय करने ना दे। Don't give media that privilege of designing and making you to wear what it is designing. मीडिया को ऐसा कोई सौभाग्य ना दे ताकि जो आपको डिजाइन करते हैं। Hey, you learn something. आप कुछ चीजें because let us I'll tell you something. I teach you, you know why? You need to take over the media. देखो मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ ताकि आप मीडिया के ऊपर राज्य कर सके। You need to buy that media. आपको इस मीडिया को खरीद लेना and bring the right culture in the media. और सही संस्कृति को इसमें लाना। You need to bring health in the media. और अच्छी सेहत लाना। You need to bring truth in the media. और सत्य को लाना है मीडिया। You need to bring honor in the media. और आदर को लाना है इस मीडिया। Yes, you should allow the good news to be preached because that is the good news. आपको सुसमाचार वहाँ से प्रचार कर सके इसलिए क्योंकि वो सुसमाचार। The third thing which designs you is my family and my tradition. और तीसरी बात है जो मुझे डिजाइन करता है वो है मेरा परिवार और मेरी रीति रिवाज। Many families can be a negative influence on the children. Especially father and mother. बहुत सारे परिवार नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं अपने बच्चों पर खास करके माता और पिता। First of all, parents interpret the world for their kids. सबसे पहली बात माता पिता को दुनिया दर्शाना है उन अपने बच्चों को। For example, when we were children, my father and my mother never told what caste I belong to. Till I found it myself when I became an adult. सबसे पहली बात मेरे माता पिता ने मुझे कभी नहीं बताया मेरे बचपन में कि मैं कौन सी जात से आता हूँ। जब मैं बड़ा हुआ तब मैंने अपने आप ने खुद जाना इसे। My parents interpreted the world so beautifully to us as children. मेरे माता पिता ने इस दुनिया को ठीक तरह से दर्शाया है हम सब बच्चों के ऊपर। When we read about the caste in the classroom, in the history classroom, I went to my mummy. I asked her. Which caste, Amma, we belong to? तो जब मैंने अपने इतिहास की किताब में इस जाति के विषय में पढ़ा तो मैं अपने माता के पास गया और उनसे पूछा कि मैं किस जाति का हूँ? She said one word. I still remember. She said, "We are Christians. We don't have caste." तो उसने एक शब्द कहा जो मैं अभी तक याद रखा हूँ. उसने कहा कि हम क्रिश्चियन लोग हैं और हम किसी भी रीति से जाति से. So to all my friends, I said, "I am a Christian. I have no caste." तो मैंने अपने सारे दोस्तों से कहा कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मेरा कोई जात नहीं है। Later when I became an adult or a young man, big man, then my uncle told me what caste I belong to. तो जब मैं बड़ा हुआ और आदमी हुआ तब मेरे एक अंकल ने मुझे मेरे जात के बारे में बताया। You please understand, parents teach the children. You come from a poor class, you come from a rich class, you come from this class, you come from that. That puts lot of condition in your mind. Think in a warped way. तो आपको ये समझना कि माता पिता बताते कि तुम बड़े वर्ग से आते हो तुम जो छोटे वर्ग से आते हो ये आपके मन पर एक नियंत्रण लाता है। Because I had no caste, because I am a Christian, I at least don't know what caste is in the world. क्योंकि मैं क्रिश्चियन था तो मुझे पता नहीं कि ये जाति क्या होती है तो मुझे दुनिया में कुछ समस्या नहीं हुई। Please understand these things. आपको इसे समझना है। The parents interpret the world to the children. तो माता पिता जो दुनिया को दर्शाते हैं अपने बच्चों के सामने। Parents instill hatred in the children. वो अपने बच्चों में नफरत लाते हैं। Parents tell the children, you know, you need to hate these religious people. You need to hate them because they killed all our religious people. तो माता पिता अपने बच्चों को सिखा देगा आपको इस समूह से नफरत करना क्योंकि उन्होंने हमारे पूर्वजों को मारा है। That boy will grow up into a boy who knows to hate.
वो लड़का ऐसे बड़ा होगा जिसको पता ही कैसे नफरत किया जाता है। माय फ्रेंड्स, पेरेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे दोस्तों, जो माता-पिता बहुत ही महत्वपूर्ण। एंड माय पेरेंट्स नेवर एवर क्रिटिसाइज्ड एनीवन इन द हाउस। और मेरे माता-पिता ने कभी किसी के विषय में गलत बात नहीं कहा हमारे घर पर। Of course, my father didn't talk much. He is very calm, quiet man. देखो मेरे पिता ज़्यादा बात नहीं करते थे, वो चुप बैठे रहते। It was my mother who used to talk in the house. लेकिन मेरी माँ घर में बातें करती थी। He will quietly eat food, my daddy. मेरे पिता शांति से खाना खाते। He never told what problems he had in the office, in the bank, in the house. उनके दफ्तर में, उनके ऑफिस में जो भी उनकी समस्या थी, उन्होंने कभी नहीं कहा अपने घर पर। He had so much of problems. उसके जीवन में बहुत सारी समस्या। Which I grew up and I knew about that. जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे उनके बारे में पता चला। But he never said even one day about his problems in the house. लेकिन उन्होंने एक बार भी अपने समस्या के बारे में घर पर बात नहीं की। Yes, he kept us safe. उन्होंने हमें संभाल के रखा। That is how parents need to keep the children. वैसे माता-पिता को अपने बच्चों को सुरक्षित और संभाल कर रखना है। There are many negative things parents can instill in their children, babies. बहुत सारे ऐसे नकारात्मक बातें हैं जो माता-पिता अपने बच्चों के जीवन में डाल सकते हैं। When you keep on criticizing your son, your daughter, they will never become successful in their life because they have a very low self-esteem. I have seen young boys and girls who think they are nothing. अगर माता-पिता अपने बच्चों को गलत बात ही कहते रहते तो वो ऐसे बड़े होते कि जो अपने विषय में कोई भी उनका आत्मविश्वास ही नहीं होता। I have seen beautiful looking student girls. They think they are utterly useless. मैंने सुंदर ऐसे लड़कियों जो विद्यार्थी हैं उनको देखा है, उनको लगता है कि वो कुछ काम के ही नहीं है। They have such a low self-image of themselves. उनका जो आत्मविश्वास है एकदम नीचे वाला है। Because the parents have butchered them. क्योंकि उनके माता-पिता ने उनको काटा है। They compared them with others. उन्होंने उन दूसरे के साथ उनकी तुलना की है। Then they have reduced them in their eyes. फिर उन्होंने उनको खुद की नजर में ही गिरा कर रखा है। So these children when they come up. They carry those things in their hearts. तो ये जब बच्चे बड़े होते तो अपने हृदय में इसको लेकर चलते हैं। Some parents put the value of money in the children. Value, money, money is God. Money, money. Many boys come. I have seen them. You know, sir, I am here to earn money. कुछ माता-पिता सिर्फ पैसों के विषय में बात करते हैं, कहते हैं जो पैसा है वही भगवान है, तो कैसे सिर्फ पैसा पैसा। और फिर मैं उनसे बात करता हूं तो वो लड़के कहते हैं कि सर मैं यहां पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए आया हूं। दैट इज अ ओवर टॉक अबाउट मनी एंड मनी प्रॉब्लम ऑल दीस थिंग्स। ये पैसों के विषय में बहुत ज्यादा बात करते हैं, पैसों की समस्या के विषय में भी। दैट्स हाउ इट इज। ऐसी बातें होती है About money, you need to see. Money is not everything. Materialism is not everything. देखो जो पैसा है वो सब कुछ नहीं है, जो चीजें हमें चाहिए वो सब कुछ नहीं है। If you have confidence, na, you can become a millionaire very fast. देखो अगर आपके पास आत्मविश्वास है ना तो आप बहुत ही जल्दी millionaire बन सकते। You don't teach about money. You teach about confidence to your children. आप पैसों के बारे में मत सिखाओ, आप आत्मविश्वास के बारे में सिखाइए अपने बच्चों। बी कॉन्फिडेंट, बी हार्ड वर्किंग, कि आत्मविश्वास रखो और दैट यू टीच और मेहनत करो, ये सिखाइए। मेनी थिंग्स डोंट टीच, इट इज नॉट नेसेसरी टू टीच मेनी थिंग्स। बहुत सारी बातें आपको नहीं सिखानी चाहिए। मेनी मेनी पेरेंट्स आर इमोशनली सप्रेसिंग द चिल्ड्रन, सप्रेसिंग कंट्रोलिंग। बहुत सारे माता-पिता भावनाओं में दबाते हैं अपने बच्चों को, उन पे नियंत्रण लाते हैं भावनाओं से। They don't allow their children to take decision. वो अपने बच्चों को अनुमति ही नहीं देते कि वो They will thrust their decision upon them. वो अपना निर्णय उन पर थोपते हैं। हाँ, lot of movies come, you know. You should marry one gunda father will be there, and specially he will have a beautiful girl, हाँ? He will bring an equal gunda and he will tell that girl, you should marry him only. तो अभी ऐसे बहुत सारे चित्रपट movies भी आते हैं।
जो पिता है वो खुद गुंडा रहेगा, फिर उसकी एक सुंदर बेटी रहेगी, वो एक दूसरे गुंडे को लाएगा और अपनी बेटी का विवाह करेगा. सो ऑल द व्यूअर्स विल सपोर्ट द गर्ल एंड एंड अगेन बिकम अगेंस्ट टू द फादर. उधर की उधर ये मारने का इसको. Then comes the savior of the world, you know, he will come and save the girl. This is there in many families. ऐसे बहुत सारे परिवारों में ऐसी बातें होती हैं. Parents put lot of pressure on their children. माता-पिता बहुत ही दबाव डालते हैं अपने बच्चों. Study. Some people are study. कुछ माता पिता सिर्फ पढ़ाई कर बोल बोल के उनके मार देते हैं. मार वो बच्चा बड़े होकर शादी करेगा ना, उसका बच्चे को बहुत मारेगा. स्टडी व्हाई क्यों इट इंटरप्रेट्स इट चेंजेस यू परमानेंटली. क्योंकि ये आपको हमेशा के लिए बदल देता है. इट विल चेंजेस यू. ये आपको बदल देता है. एंड सम मदर्स ना दे हैव वन मोर वे ऑफ डूइंग कंट्रोल. और कुछ माता पिता के पास एक और तरीका है कैसे कंट्रोल किया जाता है. दे क्राई. वो रोते हैं. दे क्राई. वो रोते हैं. सो आदमी पिघल जाएगा. दिस इज अनदर वे. ऑल मैनिपुलेशन. ये एक और तरीका है सामने वाले को. What the world has pumped into you has made you either successful or unsuccessful. ये दुनिया ने आपके अंदर क्या भरा है इसकी वजह से आपको सफलता मिली है या असफलता मिली है. Today I'm going to pray for every one of you. मुझे आज आप सबके लिए प्रार्थना. I want you to pray what I am teaching may be a reality in your life. मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे प्रार्थना कीजिए कि जो भी मैं सिखा रहा हूं आपके जीवन में एक हकीकत बन जाए. Yes, parents are very important. जो माता-पिता है बहुत ही महत्वपूर्ण है. My friends, if you have parents who have behaved negatively with you, मेरे दोस्तों अगर आपके पास माता-पिता है जिन्होंने इस रीति से आपके साथ काम किया, you need to forgive them. आपको उनको क्षमा करना है. You need to forgive them. आपको उनको क्षमा करना है. When you forgive them, जब आप उनको क्षमा करते हो, then you will be delivered out of that. तब आपको छुटकारा मिल जाएगा उस चीज़ से. Very important. बहुत ही महत्व की बात. Do your parents love you? ये सही है कि आपके माता-पिता आपसे प्रेम करते हैं. Unless they are influenced by alcohol or extramarital affair or something like that, otherwise they will definitely love you. या तो उन पर प्रभाव है दारू का या वो शादी के बाहर किसी से प्रेम करते हैं, नहीं तो वो आपसे प्रेम ही करेंगे. जनरली दे लव यू. वो आपसे प्रेम ही करेंगे. एंड यू हैव टू फॉरगिव देम. आपको उनको क्षमा करना है. द फोर्थ थिंग विच वर्क्स इन योर माइंड इज योर एजुकेशन. चौथी बात है वो है आपकी पढ़ाई. एजुकेशन द एजुकेशन विच यू आर लर्निंग इज नॉट योर एजुकेशन. जो पढ़ाई आप कर रहे हैं वो सच में आपकी पढ़ाई नहीं है. ट्रू एजुकेशन एनहांसेस योर इमेज. जो सच्ची विद्या है वो आपके इमेज को भी बढ़ाता है. देयर आर टू थिंग्स मैन हैज. इसमें एक मनुष्य में दो बातें. वन इज हिज लाइकनेस. सेकंड इज हिज इमेज. दैट्स हाउ गॉड क्रिएटेड मैन विद. एक है उसकी छवि और एक है उसके लाइकनेस. If your education is not enhancing your image, that is not education. अगर आपकी पढ़ाई आपकी छवि को बढ़ा नहीं रहे तो वो आपकी पढ़ाई ठीक नहीं. Many of us we take an education thinking it will give me a money. No, it will actually bend your mind. हम में से कई लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि वो हमें पैसा कमाने में मदद करेगा, लेकिन सच में वो आपके मन को मोड़ रहा है. ओके, द फोर्थ थिंग, द फिफ्थ थिंग विल बी मनी. जो पांचवा जो बात है वो है पैसा. मनी. पैसा. ओके. पॉवर्टी कैन अफेक्ट यू सो मच. जो गरीबी है वो आप पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल सकता है. ओके. Poverty
will give you a poverty mentality. जो गरीबी है वो आपका जो मन है उसको भी गरीब जैसे सोचना बना देता है. What is wrong about poverty, you know? गरीबी का poverty usually gives you a poverty mentality. ये गरीबी के विषय में क्या गलत बात है आपको पता है कि ये आपके मन को भी गरीब कर देता है. God loves the poor people. जो परमेश्वर है वो गरीबों से प्रेम करता है. But the truth of the matter is, it is very difficult for God to make a poor person into a rich person. Very difficult. लेकिन सत्य की बात ये है कि परमेश्वर के लिए भी कठिन काम है कि गरीब व्यक्ति को अमीर व्यक्ति बना दे. If you are from a poor family or a family which had a lot of poverty in it, you have to be careful. अगर आप भी गरीब परिवार से आते हैं या फिर आपका जो खानदान है वो गरीब था तो आपको इस विषय में थोड़ा ध्यान देना है. If you have suffered for money, you be careful. अगर आप पैसों के विषय में आपने पीड़ा उठाई है तो आपको इसका ध्यान. Because poverty in my family is different, poverty in my mind is different. क्योंकि जो गरीबी है वो मेरे परिवार में अलग बात है और ये जो गरीबी है वो मेरे मन में अलग बात है. Poverty in your mind will never ever allow you to become rich. तो जो गरीबी आपके मन में है वो कभी आपको अनुमति नहीं देगा कि आप अमीर बन जाए. Even if you become rich, you'll become poor. अगर आप धनी भी बन जाओगे फिर भी आप बाद में गरीब ही बन. Because poverty is in the mind. क्योंकि जो गरीबी है वो आपके मन में है. You need to break the poverty. आपको इस गरीबी को तोड़ना है. Many people, they want to break the poverty in the family. No, my friends, you break the poverty in your mind. बहुत सारे लोगों को इस गरीबी को अपने परिवार से तोड़ना है, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, आपको इसको अपने के मन में तोड़ना है. Okay, so take care. This money is a big issue in many people's life. तो आपको इसको ध्यान देना है. जो पैसा है ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों के जीवन में. The final thing. जो आखिरी बात. Abuse changes you. अगर आप पे कोई अत्याचार हुआ है तो वो आपको बदल देता है. Abuse. अत्याचार. If anybody has verbally abused you. अगर किसी ने आपको गाली दिया है शब्दों में. Verbally. किसी ने शब्दों verbally. से गाली दिया. For example, I have met certain girls. They think they are not good looking. Because their family people have told them that they are not good looking. देखो ऐसे कुछ लड़कियों से मैं मिला हूँ, वो सोचते कि वो अच्छे नहीं दिखते. क्यों? क्योंकि उनके परिवार ने उनको कहा कि वो बदसूरत है. Many boys, they think they are not good looking because somebody in the family has told them that they are not good looking. बहुत सारे लड़के ऐसे सोचते कि वो अच्छे नहीं दिखते क्योंकि उनके परिवार में से किसी ने उनको कहा है कि आप अच्छे नहीं दिखते. They have been scolded so much. Scolded. बहुत ही अधिक. It's a verbal abuse. सर डांटा गया, शब्दों से उन्हें पीड़ा दी गई है. Some people are physically abused. कुछ लोगों का शरीर में पीड़ा उठाया है. I have met so many children. They have bruises all over their body. मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे मिला हूँ मैं जिनके शरीर पे बहुत सारे घाव हैं. Okay. I have met them. मैं उनसे मिल चुका हूँ. It's full of bruises. पूरे घाव हैं. Parents have bit them. You are a mix of all these seven things in your life. आप इन सात चीजों को मिलाकर बनाए गए हो. That is why you need to keep changing, renewing your mind. इसलिए आपको अपने मन को नया बनाना है. Let us turn to Romans 12 verse 2. हम रोमियो 12वां अध्याय दूसरा वचन देखेंगे. Romans 12:2. रोमियो 12वां अध्याय दूसरा वचन. Don't curse your family. अपने परिवार को श्राप मत. Don't curse your background. अपने भूतकाल को श्राप मत. Don't curse your past. And don't waste your time. Understand one thing. You can change it today. You can change it today. By a small decision you make.
Yes. No matter from where I come from, you can change your life today. Friends, God is not worried about what happened to you yesterday. It's not a big problem for Him. He can change you if you are ready to allow Him to change. That's why Jesus came and did the impossible for you. He died for every negative thing which ever happened to me. He died. And He got back to life again. Whatever may be the state, whatever death may be there in my life, I can still live. If you are willing to change, He will change you. Why should you carry all the stigma? Why you carry your past? जो हुआ वो हो गया, किसको मालूम क्या करेगा, हो गया. I didn't choose to be born in that city. Ha, it was divinely destined that I was born there. मैंने इस चुनाव नहीं किया कि मैं कौन से शहर में पैदा हो रहा हूँ. ये divine ये था कि मैं वहाँ पर पैदा हूँ. Somebody said like this: being born in a poor family is not your mistake, but dying poor is definitely your mistake. किसी ने ऐसा कहा है कि एक गरीब परिवार में जन्म लेना ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब होकर मर जाओगे तो वो आपकी गलती. तो मरने के समय गरीब था, then it is your mistake. Listen to this word. Do not be confirmed. Do not be confirmed to the seven things which is there working in your life. But be transformed. Be transformed. Be transformed. Many parents beat their children black and blue. Because when they were kids, they were being beaten black and blue. So what happened? Whatever bad happened to them, they do it to others. There was a time where that mommy daddy was a victim of an abuse. But when they grew up, they started to abuse. Many parents control the children. Do this. Why? When they were kids, they were being controlled by their parents. That's why Jesus enters to stop this abuse. If you don't stop in your life, it will continue to your generation. The father is a drunkard. He comes home and beats the mother. The young son is seeing this. Every day he begins to hate his father. He begins to hate his father. And he will say, I will never touch alcohol. I will never beat my wife. But what happens? He grows up.
He gets married. He becomes a drunkard. And he beats his wife. Why? Your decision cannot change you. Because these seven things are so powerful. When they have your mind, that means you will become a slave of that attitude. क्योंकि ये सात चीजों में इतनी शक्ति है और जब इसके पास आपका मन है तो आप इसके गुलाम बन जाओगे. The right way is he should have forgiven his father. जो सही तरीका वो है कि उसको अपने पिता को क्षमा कर देना चाहिए. Then he should have been delivered out of this. फिर उसको इन सारी बातों से छुटकारा मिल जाता. My friends, forgiveness is the answer. क्षमा करना यही उत्तर है. Today you begin renewal by forgiveness. आज आपको अपने मन को नया करना है, क्षमा करना. You need to forgive a lot of things in your life. क्षमा करना बहुत सारी चीजें. Then your mind will be renewed. फिर आपका मन है वो नया बनेगा. Then you can understand the Bible. फिर आपको बाइबल समझ में आए. Then the Bible will change you. फिर ये जो बाइबल है वो आपको बदल. Otherwise I will be just like my mummy or my daddy. What happened to my dad will happen to me. जो मेरे पिता के साथ हुआ वो मेरे साथ होगा. And what happened to me will happen to my son. और जो मेरे साथ हुआ वो मेरे बच्चे के साथ होगा. You need to renew your mind. आपको अपने मन को नया करना है. You can see lot of similarity between your daddy and you. आप बहुत सारी चीजों को समानता में देख सकते हो आपके पिताजी में और आप. Girls, you can see lot of similarity between your mummy and you. You need to cut it off today. आपको इसके काट बाहर फेंकना है. You should cut it off today. आपको इसको तोड़ देना है यार. You should allow Jesus to enter your life. आपको यीशु मसीह को अनुमति देना है आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए. You forgive your mummy. आपको अपनी माता को क्षमा करना. You forgive your daddy. आप अपने पिता को क्षमा कीजिए. You forgive your friends. अपने दोस्तों को क्षमा कीजिए. Forgive everybody who erred against you. सारे लोगों को क्षमा कीजिए जिन्होंने आपको चोट. Who abused you? You forgive yourself for following your religion. You forgive yourself for subscribing to all these thought patterns, the cultural patterns of the world. Don't brand yourself. I am this. No, you are not. You are a child of God. ऐसे मत कहिए कि मैं ये हूँ वो हूँ. आप इसमें कुछ भी नहीं हो. आप परमेश्वर के बच्चे हैं. You are a heavenly creature living on earth. आप स्वर्गीय जी. आप स्वर्गीय स्वर्ग से हो और आप धरती पर जी रहे हो. Yes, God has sent you to live on this earth. परमेश्वर ने आपको धरती पर भेजा है ना कि आप यहाँ पर जी सकें. Not to follow the dictates of the world, but to be a son of God, a daughter of God. इसलिए नहीं कि आप दुनिया के रीति रिवाज के पीछे चले, लेकिन आप परमेश्वर के बेटे बनकर यहाँ पर चले. Adam was not created as a human being. He was created, but he was also created as a son of God. आदम को सिर्फ मनुष्य नहीं बनाया था, उसको परमेश्वर का बेटा बनकर के भी रचा था. Let's turn to Luke chapter 3. हम लूक का उसका तीसरा अध्याय में जाएंगे. Luke chapter 3. Yeah. Verse 38. लूका तीसरा अध्याय 38वां वचन. Adam, the son of God. Today you are a son of God. परमेश्वर का पुत्र था. Hallelujah. Today you are a daughter of God. आज आप परमेश्वर की बेटी. You are a son of God. परमेश्वर के बेटी. Hallelujah.